तीसरे दिन भी डी एडिक्शन सेंटर के मुलाजिमों की हड़ताल जारी रही। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चंडीगढ़ जाकर भी उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा तो वह भी करेंगे। वहीं नशा छुड़ाओ केंद्र में आए नशा छुड़ाओ मरीजों ने कहा कि एक तरफ तो पंजाब सरकार कहती है कि नशा खत्म किया जाए, वहीं इन हड़ताल के कारण उन्हें नशा छुड़ाओ की दवाइयां नहीं मिल पा रही। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम बप्पी है जी। मैम द थिंग इज कि इतने मेरे ख्याल में 2000 बच्चे बंदा या 1500 बंदा आता दवाई खाने वास्ते, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो सरकार ने शुरू कोई शुरुआत की है, बड़ी अच्छी शुरुआत की है, बड़े लोगों ने इतने नशे पत्ते छड़े है, कोई ने चिट्टा छड़े है, कोई ने फीम छड़ी है, कोई ने चिट्टा अपना कैप्सूल छड़े है, ये सारा ने इसकी चीज़ छड़ी हैगी है लोगों इन्ने बंद ने, तो इन्होंने दवाई शुरू की एक बड़ी वधिया मैंने लगी मुहिम इन्हें की पंजाब सरकार की, वो तो बड़े खुश है गए नशे पत्ते छड़ते। मैं अपनी गल परसनली करना, काफ़ी नशा कर रहा है, इतने दवाई खाने आए हैं और अभी ठीक हाँ, सारे सुखी है, घर के भी सुखी है, सब सुखी है, तो हूँ एक जाके इन्हों बंद तंग कर रही है कैप्टन सरकार, वह चंगा काम नहीं है। चाहिए इन्हों की इन्होंने बंद दो तीन मुलाजमान पक्का कर, जो शुरू किया ही है तुम नशा छुड़ाओ केंद्र, तो इन्हों सिरे पाँ तो बड़ी वधिया गलबात है कि काफ़ी हजारों लखा बंद ने पूरे पंजाब से नशा छड़िया होना, तो जे ये शुरुआत की है तो फिर यदा एंड ही बड़ा वधिया होना चाहिए। जो शुरुआत चंगी की है तो फिर एंड ही वधिया होना चाहिए। एंड की है जो मुलाजम कहें सूँ पक्के करो तो कर दो उन्होंने पक्के, फिर की है जितने इन्ने मुलाजम कहें, तो कहना मतलब है कि इन्ने बंद सफर ना कर दो तीन बंद पिछे, ठीक है, दो तीन बंद दो तीन हज़ार बंदा सफर ना करे, ये फिर तो जो दवाई देनी बंद कर दी, बंदे जान के फिर नशे वाले पासे तो फिर वो मज़ा नहीं आया कुछ। दवाई तो मतलब बंद तो नहीं की, इन सेंस कि इन्होंने हड़ताल की है मुलाजमान ने, या तो करके हज़ार सफर कर रहे हैं, घट तो घट 3000 बंदा है जो सफर कर रहा, यह सही नहीं है। ये कैप्टन सरकार का जो रवैया सही नहीं है, मतलब जनता के प्रति, तो मतलब प्रदेश के प्रति, तो हिसाब ला लो कि यूथ के प्रति। गलबात महक जी, आप पता ही है तुम्हें पिछले 7 साल तो है ना इतने सेवावान दे रहे हैं, तो पर इन्ना ज़्यादा पार्शैलिटी वाला रवैया वा साढ़े नाल, खासकर आप जिहड़े आउटसोर्स मुलाजम हाँ जां आप सोसाइटियां वाले हाँ, सानू इस तरह समझा जाता भी जिस तरह ये काम चलाने वास्ते माड़े मोटे रखे है, इन्हों जो मर्जी आप कढ़ देना है ना, साल साल का साडा कॉन्ट्रैक्ट हुंदा। हुण वो जदों भी आपां कितें जाने है ना अप्रोच करते हैं मंत्री साहब नूं जां डायरैक्टर हैल्थ नूं, तां वह इस तरह लारा जिहा है ना भी एक हफ्ते तुहाडा सारा कुछ मान लेना है ना, हमेशा ही इस तरह हुंदा। वो हुण आपां गए सीगे पिछे उत्थे, वो कहिंदे जी ऐतकी एक महीना दिओ सानूं, तुहाडा सारियां मंगां हल हो जाणगियां, तुहानूं डी एच एस कर देंगे, महकमे अंदर लै लेंगे, तुहानूं कोविड वाला जिहड़ा तुहाडा बकाया बकोया जो भी दे देंगे। मैं तुहानूं हैरानी होएगी कि इस जिन्ना भी सिस्टम है, NHM हो गया, डॉक्टर हो गए, सब नूं कोविड का बेनीफिट मिले आ, किसी ने काम किया नहीं किया सब नूं मिले। आपां साडे बंदे ने जिन्हां ने काम किया कोविड वार्ड दे विच, उन्हां नूं कुछ नहीं दिता गवर्नमेंट ने, तो है भी आपां निगुणियां तनखावां ते सानूं रखिया होया, वाधू काम करवा के कुछ नहीं सानूं दिता, तो बस साडा उही प्रोटेस्ट सीगा। 3 दिन तो आपां 3 घंटिया की कलम छोड़ हड़ताल सी साड़ी, तो अज चौथे दिन आप फुल डे की हड़ताल ते हाँ। मंग पहली मंग तो साड़ी यही है सानू सोसाइटियां भंग करके तो पक्का किया जाए DHS के अंडर करके, दूसरी मंग साड़ी सानू कोविड वाले बेनीफिट दिते जाए। बिल्कुल।